11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून या सिटीजन अमेंडमेंट बिल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ देश में अब CAA लागू हो गया है। CAA नागरिकता संशोधन कानून 2019 तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को जिनमें हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई शामिल हैं, अब CAA इन सभी को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है। इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वह किसी मजहब का हो, की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से खतरा नहीं है। देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। मुस्लिम समुदाय द्वारा इसका व्यापक विरोध भी किया गया था। इस कानून के लागू हो जाने से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए मोदी सरकार का यह बड़ा फैसला माना जा रहा है। ऐसी ही देश विदेश की जानकारियों के लिए हमारे चैनल ज्ञान बाय गौरव सर से जुड़े। धन्यवाद।